गुड इवनिंग गाइस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अभी लेटे हुए हैं, बस सोकर उठे हैं। सोकर तो बहुत, मतलब कि बहुत जल्दी उठ गई थी 3:30 बजे, लेकिन बस जीत अभी कोचिंग गया है और दिव्यांश को उठा रही हूँ और ये उठ रहा है। देखिए नखरे कर रहा है, देखिए इसने पिलो रख लिया, देखिए मुंह पर, ये देखिए। और इसने प्लो रख लिया है अपने फेस पर, अरे उठ नहीं रहा है। और इसको मैं उठा रही हूँ, बोल रही हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन ये शैतान बच्चा उठ नहीं रहा है। और बस कहते हैं अब मैं उठूँगी, नीचे जाऊँगी गाइस। और आज गाइस मैंने एक काम किया था, और वो काम किया था, आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक फूल बंगला प्रिपेयर कर रही हूँ। वैसे वो पहले भी करा था मैंने, लेकिन मैंने नहीं करा था, मेरे बेटे ने किया था, लेकिन वो बेकार सा था, क्योंकि बच्चों का काम तो बच्चों जैसे ही होता है। तो मुझे थोड़ा सा, मतलब कि सोच रही थी कि मैं कर लेती, तो बस उसका मैंने भी बेस तैयार किया है। बस एक कार्टन लेके मैंने उसको ये इस टाइप से कहते दरबार बना दिया है, और इधर उधर उसके गेट पे पेंसिल से ड्रॉ करके मैंने उसको बीच में से कट कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने कहते लेस चिपका दी है। और बस अभी इतना ही काम किया है, मैं आपको दिखाऊंगी इसको। और आप भी बनाइए अपने भगवान जी के लिए, बहुत अच्छा लगता है। घर पे हम लोग कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो बस कहते हैं आप भी बनाइएगा और अच्छा लगेगा वो आपको जन्माष्टमी पर और गणेश चतुर्थी के लिए और आपके नौ दुर्गों के लिए आप रेडी कर सकते हैं। उसी को ही कहते हैं आप रखिएगा, बहुत अच्छा सा उसको कहते हैं मैं सजाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी मैं। आज मैंने एक्चुअली वो जो बेस मैंने बनाया था वो इसलिए शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे आएगा या नहीं आएगा बनाना, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं करा। और बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा कार्टून इतना बड़ा था, और कार्टून का डिब्बा लेकर बस मैंने उसको एक जो आधा पीस जो होता है वो मैंने लिया था, और उसके इधर उधर से ऐसे करके मोड़ दिए थे, और ऊपर मैंने एक इतना बड़ा सा उसके बीच में कहते हैं आगे को छत टाइप की सी निकाल दी थी, और बीच में वही दरबार बना के मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना ही किया है, और जैसे ही आगे बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं अब नीचे, और बस थोड़ी से बेड वगैरह की चादर वगैरह बस झाड़ के बिछाऊंगी दोबारा से, और कपड़े धुलने रख दिए थे। एक्चुअली गाइस सुबह के कपड़े धुले हुए हैं, लेकिन कहते हैं फैले नहीं थे क्योंकि गर्मी हो रही थी बाहर, और बस अभी कपड़े फैलाऊंगी उसके बाद नीचे जाऊंगी फिर मैं। और बस गाइस मैं किचन में आ गई थी, और मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी, और बस अभी आ गई थी मैं, कपड़े नहीं फैलाए ना मैंने, चादर कहते हैं भी सही किए बैठ की, क्योंकि हस्बैंड का फोन आ गया कि कहते हैं मैं आ रहा हूँ, तुम कहते हैं अगर चाय बना लो तो बना लो, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। और वो साथ में समोसे, ये देखिए, और चाय भी इधर बन रही है। और बस चाय भी बन रही है और समोसे साथ में लेकर आए हैं, और हम लोग चाय पियेंगे। और वो गाइस अभी कहते हैं गए हैं, कहते हैं दिव्यांश को साथ लेके, क्योंकि इसको ना स्कूल बैग फट गया था, स्कूल बैग उसका फट गया था, पता नहीं कहाँ से सिलाई उधड़ गई, अभी अप्रैल में नया आया था उसका, और पता नहीं कहाँ से सिला, तीन जगह से वो फट चुका। एक बार आपके सामने मैंने भी सिला था, लेकिन वो फिर से उधड़ गया, बहुत ही ख़राब क्वालिटी का बैग दिया था उन्होंने, तो बस वही उसको सिलवाने गए हैं मोची के पास में। तो अभी बस थोड़ी देर में दे देंगे वो विदना हाफ आवर, तो बस कहते हैं ले आएंगे। और उसका उसको दरअसल बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चों के बैग्स इतने भारी होते हैं, वो जैसे ही कहते हैं हैंग करता है शोल्डर पे अपने, और वो तुरंत क्या कहते हैं उसकी सिलाई उधड़ जाती है, तो बस उसका बैग सिलवाने गए हैं। जब तक चाय बन रही है मेरी, और हम लोग फिर चाय साथ में इंजॉय करेंगे। और गाइस मेरी चाय हम लोगों ने पी ली थी, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे शॉप, और कहते हैं अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और ये हैं करौंदे और ये हैं करेले, अब बस आज करेले और करौंदे की सब्जी बनाऊंगी मैं, और आलू टमाटर और पराठे, ये आज का डिनर होगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसको छील लेती हूँ और काट लेती हूँ, करौंदे को 2 पीसेस करके उसके बीच के बीज जो होते हैं वो निकाल लूँगी, सीड्स जिसे बोलते हैं, तो करौंदे के 2 पार्ट करके उसके सीड्स बीच में से हम निकाल लेंगे। चलिए बनाती हूँ मैं। और बस गाइस मैं किचन में आ गई थी, करौंदे और करेले कहते हैं काट कर, तो बस कहते हैं यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन बॉटल रखे हुए थे,
तो मैंने बस पहले किचन क्लीन करूँगी, बाद में फिर मैं सारी सब्जियाँ बनाऊँगी। और बस यहाँ पे मैं टिफ़िन बॉटल धो दूँगी पहले। और पता है सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे टिफ़िन बॉटल धोना ही लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि बच्चों की छुट्टी हो जाए, टिफ़िन बॉटल नहीं धोने को मिलेंगे। सच में यार, टिफ़िन बॉटल रोज़ ही धोने पड़ते हैं। और बस कहते हैं टिफ़िन धुल गए थे, चाय के कप वगैरह भी धो दिए थे, अब यहाँ पे बॉटल्स भी मैं क्लीन कर दूँगी। और बस गाइस यहाँ पे मेरी किचन भी क्लीन हो गई थी और सिंक भी मैंने साफ़ कर दी थी। और बस ये देखिए मैंने करौंदे, प्याज और हरी मिर्चे, करेले सब कट कर लिए थे। और मैंने यहाँ पे ये पूड़ी वाली, जो मेरे तीज पे पूड़ियाँ सेकी थी, वाली कढ़ाई ली है गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ाई ऐसे ही नहीं धोते हैं, उसमें कुछ सब्जी बनाकर, कहते हैं त्यौहार की कढ़ाई जो होती है ना, वो कुछ सब्जी बनाकर ही कहते हैं धोई जाती है, ऐसे नहीं धोई जाती है। तो बस इसमें मैंने कहते हैं हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और ये धनिया, सॉरी सौंफ पाउडर डाला है मैंने। धनिया नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि करौंदों में भी सौंफ पड़ती है और करेले में भी सौंफ पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने 4 चम्मच सौंफ डाले हैं और नमक डाल दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और बस यहाँ पे मैं मसालों को अच्छे से भून कर इसको मैं प्याज और हरी मिर्चें पहले डाल दूँगी, उसके बाद करेले और करौंदे डाल दूँगी। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में, और मिक्स करने के बाद इसको पानी डालकर हम लोग इसको कहते हैं पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे। और हमें इसको अच्छे से चलाना है जिससे कि हमारी सारी सब्जी में मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। और गाइस अभी मैंने इसमें ज़्यादा पानी ही डालते हैं क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ती है और कहते हैं थोड़े से करेले भी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और करौंदे भी। तो बस मैंने गिनती के कहते हैं 5-6 ढक्कन ही पानी डाला है इसमें और मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और बस इधर मैंने अपने आलू टमाटर की तैयारी कर ली थी, तो आलू टमाटर के लिए मैंने कुकर लिया है और उसको मैं ज़रा उसमें जो पानी था, जो जब धोते हैं तो थोड़ा पानी रह जाता है ना ऐसे वाले कुकरों में, तो बस कहते हैं वो उसको मैंने सुखा लिया और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। आई एम सॉरी गाइस, देसी घी नहीं डाला था मैंने, मैंने इसको कहते हैं वैसे देसी घी में बनाती हूँ, सरसों के तेल में मैं बनाया है और ये वही तेल है सरसों का जो पूड़ियों का था, क्योंकि मैं तो वही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एक ही बार का ऑयल था अभी। और बस मैंने कहते हैं उसमें कहते हैं हींग और जीरा डालूंगी तेल में। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है जो मैंने एक छोटी सी प्याज कट करी थी। अब बस कहते हैं उसमें प्याज हरी मिर्च कट करके मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो बिना प्याज के ही बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ, आलू टमाटर प्याज के और बिना प्याज के। तो बस यहाँ पर मैं प्याज हल्की सी भून लूँगी, हल्की सी ही बस सॉफ्ट करनी है। और बस इसमें हल्की सी सॉफ्ट होने के बाद इसमें वही रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला। गाइस मैं आलू टमाटर में ना धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस इसमें मैं हल्दी, मिर्च और गरम मसाले ही डालती हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। और बस इसमें मैंने टमाटर जो है ये मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिए थे, तो बस यहाँ पर मैं ये डाल दूँगी और ये भून लूँगी अच्छे से। जब तक भूनना है हमें ये, तब तक कहते हैं तेल ना छोड़ दे मसाला अपना, और बीच बीच में आप चलाते रहिएगा, इसमें नमक भी ऐड कर देना। और बस ये कहते हैं मेरा मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है एवरीवन, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। और बीच बीच में मैं करेले भी चलाती रहूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी गाइस करेले में ना चीनी डाली है, क्योंकि पता है आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, वैसे मेरे को तो अच्छी लगती है, मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाली है। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा इससे कड़वापन जो होता है ना वो चला जाता है और अच्छे, मतलब इतने मीठे नहीं होंगे, डोंट वरी, थोड़े ही मीठे होंगे। और देखिए मेरे जैसे टमाटर भुन गए, मैंने इसमें अपने लंबे लंबे आलू मैंने काटे थे, इसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया है और मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूँगी।
और बस पानी ऐड करके हम इसमें सीटी लगा लेंगे। हमारे टेस्टी से आलू टमाटर की सब्ज़ी तैयार है गाइस। और देखिए बस ये मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी है। और मैं इसको थोड़ा सा ना मैशर से, जो होता है पोटैटो मैशर, उससे मैं थोड़े से एक दो आलू, या फिर ऐसे ही आप कर लीजिए, वैसे मैंने ऐसे ही कर लिए थे, बस कहते दो तीन आलू ऐसे चंक्स ना फोड़ दीजिएगा, तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ना इसकी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके ऊपर गाइस मैं डालूंगी थोड़ी सी हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी, जिससे कि इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। आप यकीन ना आए तो आप इसको ऐसे कर कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हरा धनिया भी इसके ऊपर से आप सर्व कर सकते हैं डालकर। और देखिए मेरी टेस्टी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी है। और इधर मेरे करेले भी रेडी हो गए थे। अब उसका टेक्सचर देखिए आप करेले का, जो इसमें रौनक आती है ना करेले में, उस थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालकर, वो देखने लायक होती है। इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए मेरे करेले बिल्कुल रेडी हैं। और ये पता है सुबह सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म पूरियाँ सेकी, आप उसके साथ खाइए अजवाइन की, आ हा हा कसम से मज़ा आ जाता है। अब बस टेस्टी सा डिनर रेडी था। इधर मैंने आटा भी लगा लिया था और मेरे पराठे मैंने सेक लिए थे और सबको खाना खिलाने बैठा दिया था मैंने। और बस मेरा खाना रेडी था गाइस। और आज था ट्यूसडे, तो हमारे घर में आज आया था, गैस कीजिए क्या आया था, वो आगे बताऊंगी। जब तक के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। सो गाइज, आज आपने देखा मैंने डिनर में जो सब्जियां बनाई थी, आलू टमाटर की और करेले विद करौंदे, और बस यही आज का डिनर था। और आज ट्यूसडे था तो प्रसाद चढ़ाया था, और प्रसाद में वही घेवर और बूंदी हमने खाए थे। और बस आज ना बारिश हो रही है रात में, अभी कहते हैं बस 10-15 मिनट हुए हैं बारिश हुए हुए, और मौसम काफ़ी अच्छा सा है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।